आपके सवाल में दो एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स हैं। एक तो ये कि तलाक क्या मजाक में हो जाती है, और दूसरी ये कि अगर तलाक में डायरेक्टली अल्फाज ना कहे जाएं, कुछ और अल्फाज कहे जाएं, तो क्या तलाक हो जाती है कि नहीं। सबसे पहले मजाक के हवाले से तो हदीस मुबारक के अल्फाज हैं कि तीन चीज़ें गुस्से और मजाक में हो जाती हैं। सबसे पहली चीज़ निकाह, दूसरा तलाक और तीसरा रुजू। तो ये तो हुआ मजाक में कहने के हवाले से हदीस की रहनुमाई। अब दूसरी बात यह है कि डायरेक्टली तलाक के अल्फाज तो नहीं कहे गए, लेकिन इनडायरेक्टली कहा गया है, तो इशारे और कनाए में दी हुई तलाक भी हो जाती है, और इसका जवाब हयात तय्यबा के वाक़ात से मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह एक यहूदी की बेटी, जॉन की बेटी के साथ किया गया, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलवत हुई और आप उसकी तरफ आपने थोड़ा सा बढ़ने का इरादा किया, तो उसने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुमने बहुत बड़ी ज़ात की पनाह मांगी, तुम अपने घर वालों की तरफ पलट जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्टली निकाह तलाक के अल्फाज अपनी ज़बान पर नहीं अदा किए, क्योंकि ये इंतहाई नापसंदीदा अल्फाज हैं, और ये इशारे कनाए में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना इससे तलाक रूनुमा हो गई। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि आज से तेरी रस्सी तेरी कुहान पर है। ऊँट की कुहान पर ऊँट की रस्सी का होना मतलब यह है कि मालिक ने उसकी रस्सी जो है वो नकेल जो है उसको छोड़ दी है और उसको गोया आज़ाद कर दिया है। तो अरबों के यहाँ ये कहना, इससे इनडायरेक्टली मुराद इस मुहावरे से ये होता था कि तू आज़ाद है मेरी तरफ से। तो एक शख्स ने जब ये कहा तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया गया, क्या इसके इशारे से ये अल्फाज कहने से तलाक हो गई? तो हज़रत उमर ने कहा कि जब वो शख्स इधर आए तो उसे कहना कि मुझसे मिले। अब जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उससे मुलाकात हुई तो उन्होंने उससे ये दरियाफ्त किया कि जब तुझे अल्लाह की कसम कि जब तूने ये अल्फाज अपनी ज़बान से अदा किए थे, क्या तेरा इरादा और नीयत उसको तलाक देने की थी? तो उसने कहा कि हाँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तूने जो इरादा किया था वो हो गई। तो गोया ऐसे वाज़े तौर पर दोनों वाक़ियात से साबित है कि जब कोई शख्स इशारे और कनाए में दिल की हालत ये हो कि वो तलाक देना चाहता है लेकिन डायरेक्टली तलाक के अल्फाज अदा ना किए जाएँ और इनडायरेक्टली इशारे और कनाए में बात की जाए तो भी तलाक हो जाती है। तो इस हवाले से अब जिसने ये तलाक दी है उनको ये तहकीक करनी उनके हवाले से ज़रूरी है, और अगर ये हालत दिल की थी और मजाक में भी कहा गया तो भी तलाक हो जाएगी।